प्रयागराज में बुधवार रात को दो दुकानों में तीन नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक दिखाकर 6 लाख की लूट की। पूरी घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई। वारदात का विरोध करने पर बदमाशों ने एक कर्मचारी की पिटाई की और धमकी देते हुए भाग निकले। खास बात यह है कि इस दौरान एक भी गोली नहीं चली। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के गुलाटी मार्ग पर फिल्मी स्टाइल में हुई लूट से सभी हैरान हैं। इस महीने में प्रयागराज में हुई यह तीसरी लूट की घटना है। जानकारी होते ही SSP समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन की। बदमाशों की तलाश में पुलिस और SOG की टीम को लगाया गया है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के गुलाटी मार्ग पर फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लोहा व्यापारी RP गुप्ता और उनके भाई ललित मोहन की दुकान से बंदूक दिखाकर 6,05,000 रुपए लिए। बुधवार की शाम 7 बजे बाजार में भीड़ थी, तभी तीन बदमाश दुकान में घुसे। सभी कपड़ों से चेहरा ढके हुए थे। एक बदमाश ने कैश काउंटर पर बैठे दुकानदार को तमंचा दिखा दिया। दूसरा बदमाश काउंटर से कैश निकाल कर झोले में भरने लगा। तीसरा साथी खड़ा था। उसी समय दुकान के गेट पर एक ग्राहक आया। बदमाश ने तमंचा दिखाते हुए दुकान के अंदर कर दिया। इसके बाद आसानी से कैश लूट कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों कारोबारियों से उनका बयान लिया। पड़ताल जारी है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के गुलाटी मार्ग पर ललित मोहन और उनके भाई RP गुप्ता की दुकान है। शाम को दुकान बंद करने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच सफेद रंग की एक बाइक से तीन बदमाश पहले ललित गुप्ता की दुकान लक्ष्मी ट्रेडर्स पहुंचे। वहां पर कैश काउंटर से 5,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद बदमाश RP गुप्ता के 14 राणा आयरन ट्रेडर्स में घुस गए। कैश काउंटर पर बैठे RP गुप्ता के बेटे मनीष पर एक बदमाश ने तमंचा तान दिया। मनीष ने धीरे धीरे करके काउंटर से पैसा निकाल कर 6 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद बदमाश असलहा लहराते हुए बाइक से म्योहाल चौराहे की तरफ से भाग निकले। SSP शैलेश कुमार पांडे और SP City दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।